नमस्कार दोस्तों, मैन ऑफ द मैच बनने के बाद रचिन रविंद्र ने सचिन तेंदुलकर और भारत पर दिया चौंकाने वाला बयान। जी हां दोस्तों, न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप के पहले मैच में पूरी तरह से हरा दिया है और इस मैच के हीरो रहे रचिन रविंद्र, जिन्होंने सचिन तेंदुलकर और भारत पर कुछ ऐसा बयान दिया जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाओगे। जी हाँ, पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी सचिन तेंदुलकर के बहुत बड़े फैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज से आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 की शुरुआत हुई। न्यूजीलैंड के पहले मैच में इंग्लैंड को 9 विकेट से हराकर धमाकेदार अंदाज में वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत की। इंग्लैंड ने पहले खेलते हुए 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 282 का स्कोर बनाया, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड ने 37वें ओवर में ही सिर्फ एक विकेट खोकर जबरदस्त जीत हासिल की। कीवी टीम की तरफ से कॉनवे और रविंदर ने शानदार शतकीय पारी खेली और दोनों के बीच 273 रिकॉर्ड साझेदारी हुई। रचिन रविंद्र का वर्ल्ड कप में ये पहला मैच था, लेकिन इस खिलाड़ी ने इतना कमाल खेल दिखाया कि दुनिया देखती रह गई। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रचिन ने महज 82 गेंदों में शतक फूका। बता दें कि रचिन के इंटरनेशनल करियर का ये पहला शतक है और आपको ये भी बता दें, रचिन रविंद्र भारतीय मूल के हैं और उनके पिता बेंगलुरु में रहा करते थे, लेकिन 90 के दशक में वो न्यूजीलैंड चले गए। रचिन का नाम राहुल द्रविड़ और सचिन के नाम को मिलाकर रखा गया है। उनके पिता रवि कृष्णमूर्ति सचिन और द्रविड़ के बहुत बड़े फैन है और इस मैच के दौरान सचिन तेंदुलकर भी स्टेडियम में मौजूद है और रचिन ने सचिन के सामने ही अपने करियर का पहला इंटरनेशनल शतक ठोक दिया। वहीं दोस्तों, रचिन रविंद्र को उनके शानदार शतकीय पारी और गेंदबाजी में एक विकेट झटकने के लिए मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किया गया। अवार्ड पाने के बाद रचिन ने भारत पर कुछ ऐसा कह दिया जिसको सुनकर दोस्तों आपका दिल खुश हो जाएगा। वहीं रचिन ने सचिन तेंदुलकर के लिए दिल जीतने वाला काम किया है। जी हाँ, रचिन ने मैन ऑफ द मैच का अवार्ड पाने के बाद कहा, इंग्लैंड के खिलाफ एक तरफा जीत से हम बेहद खुश हैं। मैंने इस जीत में जो योगदान दिया उससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। इंग्लैंड बहुत मजबूत टीम है और हमें नहीं लगा था कि हम उसे ऐसे हरा देंगे। उन्हें ऐसे हरा कर काफी मजा आया। कॉनवे ने भी शानदार बल्लेबाजी की, हमारे गेंदबाजों ने भी शानदार गेंदबाजी की और इंग्लैंड जैसे पावरफुल बैटिंग लाइन अप को इतने कम स्कोर में रोक दिया। रचिन ने आगे कहा, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल मोमेंट है क्योंकि जैसे ही आप सभी जानते हो कि मैं भारत से बिलोंग करता हूँ और भारत में ही डेब्यू कर रहा हूँ और वो भी वर्ल्ड कप में, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वही आज सचिन तेंदुलकर सर भी आए थे और उनके सामने ऐसा प्रदर्शन करके मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि मेरे पिता सचिन और द्रविड़ सर के बहुत बड़े फैन है। मेरा नाम भी सचिन सर और द्रविड़ सर के नाम से मिक्स करके बनाया हुआ है। ऐसे में मेरे लिए कोई सपने से कम नहीं है कि मैंने सचिन सर के सामने ये शतक ठोका और अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मैं सचिन सर को डेडिकेट करना चाहूँगा। दोस्तों, रचिन रविंद्र ने भारत और सचिन तेंदुलकर पर ऐसा बयान देकर सभी का दिल जीत लिया है। आप रचिन रविंद्र की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर दोगे? एक कमेंट करके जरूर बताइएगा।